प्रेज रॉड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा ने जब परमेश्वर को उस जलते हुए पेड़ में देखा तो मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आपका नाम क्या है, और परमेश्वर ने ऐसा बोला, मैं जो हूँ सो हूँ, जा तू इसराइल लोगों को ऐसा बोलना मैं होने पे जाए, मैं हूँ। उसको इब्रानी में कहते हैं याहवे, और याहवे से यहोवा एक नाम हो गया। लेकिन मैं हूँ का मतलब क्या, क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं हूँ ने भेजा है ऐसा कहना? ये मैं हूँ जो नाम है उसके पीछे क्या राज है, मैं हूँ का मतलब क्या होता है और परमेश्वर हमको क्या बताना चाहते हैं, इस भेद को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब मूसा अपने जो ससुर थे उनकी भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे उस होरेब नाम के पहाड़ के ऊपर, तो उस वक्त परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पर दर्शन दिया और वहाँ पर एक पेड़ था वो जल रहा था लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था, वो राख नहीं हो रहा था। तो मूसा ने देखा है कब से जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है, और देखा तो उसके सारे पत्ते जो है वो भी वैसे के वैसे। तो मूसा को लगा ये कोई चमत्कार हो रहा है, तो मूसा देखने के लिए पलटे और जैसे ही जाने लगे तो उस जलते हुए पेड़ से एक आवाज़ आई और आवाज़ परमेश्वर की थी, और परमेश्वर ने बोला मूसा अपने जूते उतार दे क्योंकि जहाँ पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। और फिर परमेश्वर ने मूसा से बात की और परमेश्वर मूसा से कहना चाहते थे कि देख ये इसराइल के लोग मिस्र देश में गुलाम है और मैं उनको छुड़ाने के लिए आया हूँ और वो छुड़ाने का काम तुझे करना है। अभी मूसा सही में काम करना नहीं चाहते थे, मूसा बूढ़े हो गए थे, 80 साल के थे, वैसे उनकी ताकत उनकी आँखें वो वैसी की वैसी ही थी, लेकिन उनको ऐसा था कि मैं कैसे छुड़ा पाऊँगा, इसलिए वो एक बहाना बनाते और बहाना ये बनाते कि परमेश्वर को नाम पूछ लेते कि परमेश्वर आपका नाम क्या, अगर परमेश्वर अपना नाम बताए तो मैं काम करूँ। मतलब उसको मालूम था कि परमेश्वर एक ही है और एक है तो नाम उन्हें होना चाहिए, हम इतने सारे हैं इसलिए हमको नाम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन परमेश्वर एक ही है इसलिए उनको नाम की आवश्यकता नहीं। लेकिन मूसा ने पूछ लिया तो परमेश्वर ने ऐसा बोला मैं जो हूँ सो हूँ, और फिर ऐसा बोला मूसा को कि इसराइल प्रजा को जाकर इतना बोलना मैं हूँ ने भेजा है। अभी देखो परमेश्वर अपना नाम बताया मैं हूँ, मैं हूँ को इब्रानी में ऐसा बोलते हैं याहवे, और याहवे का यहोवा ऐसे नाम हो गया। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर एक बात बताई कि ऐसा बताना कि मैं हूँ। अब मैं हूँ का मतलब क्या, हम ऐसा बोल सकते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, लेकिन प्रभु ने तो कुछ भी नहीं बोला, बीच में कोई शब्द नहीं लगाया, सिर्फ इतना बोला मैं हूँ। अभी सही में इसका मतलब ये होता है मैं हूँ मतलब मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसा परमेश्वर कहना चाहते हैं। बीच में आपको जो शब्द लगाना है, जब जो भी आपको ज़रूरत पड़े उसमें से जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है वो वहाँ पर लगा दो, मैं वही हूँ, मैं सर्वशक्तिमान। और उस वक्त ये मिस्र देश आज के अमेरिका के समान था, मतलब कि महासत्ता था, और उसको लोहे की भट्टी बोला जाता था, मतलब लोहे को पिघला दे, मतलब लोहे की भी सेना आए, लोहे के इंसान आए वहाँ पर, लोहे की मशीनें लेकर आए, तो बोले उनको भी पिघला दे, ऐसे सामर्थ्य लोग ये मिस्र के लोग थे। और परमेश्वर ने उस मिस्र को मारा, लेकिन देखना इसराइल लोगों ने लड़ाई नहीं की, ना भाला ना तलवार कुछ भी लेकर लड़ाई करने के लिए नहीं गए, ना उन्होंने कोई बलवा किया है मिस्र लोगों के साथ कि हमको आज़ाद करो। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को सिर्फ बोला मूसा तू जा
और मैं जितना बोलता हूँ उतना कर। अब परमेश्वर मूसा को बोलते थे और मूसा वहाँ पर जाते थे। मूसा ने वहाँ पर जाकर परमेश्वर के कहने के अनुसार लाठी डाली तो लाठी सांप बन गई। तो फिर उन्होंने बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने जादू टोना करवाने वाले को बुलाया, बोले देखिए इसने लाठी डाली और सांप बन गई, बुला पे कुछ करो। उन लोगों ने भी जादू टोना कर लाठी डाली तो उनकी लाठी भी सांप बन गई। लेकिन मूसा की जो लाठी का सांप बना था उसने दोनों सांपों को निगल लिया। अभी फिरौन बोलता है कि तू कर सकता है, तेरे परमेश्वर कर सकता है, तो हमारे लोग भी कर सकते, नहीं जाने दूंगा। तो उसे नहीं जाने दिया। तो परमेश्वर ने फिर मूसा को बोला, मूसा फिर जा तू और जाकर अभी पानी का लहू बना दे। अभी मूसा वहाँ पर गए और सारे मिस्र का पानी लहू बना दिया। तो मिस्र लोगों ने क्या किया कि फिर से उन लोगों ने खड्डा खोदकर पानी निकाला। तो जादू टोना करने वाला है उन लोगों ने भी पानी का लहू बनाकर बता दिया। तो फिर उन बोलता है कि तेरे लोग कर सकते, तेरा परमेश्वर कर सकता है, तो हमारे लोग भी कर सकते, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं जाने दूंगा। तो मूसा वापस चले गए। परमेश्वर ने बोला फिर जा, बोला अभी मेढक को बुला। तो मूसा ने मेढक बुलाया, तो इन लोगों ने भी मेढक बुलवाया। तो फिर उन बोलता है कि मैं क्यों मानूं। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को बोला कोई बात नहीं, अब मैं तुझे भेजता हूँ, लेकिन अब जो चमत्कार तेरे से हो गए वो चमत्कार उनसे नहीं होंगे। और उसके बाद मक्खियाँ बुलवाई, टिड़ी आई, ओले पड़े, मरी आई, लोगों को फोड़े निकले, जितने भी विपत्तियाँ वहाँ पर आई उन सभी विपत्तियों में मिस्र के लोग कुछ नहीं कर पाए, ना ही अपने आप को बचा पाए, ना ही वो विपत्ति खुद लेकर आए, कुछ भी नहीं हुआ। और परमेश्वर ने मिस्र को सिर्फ चमत्कारों से मारा, ना कोई तलवार, ना कोई भाला, कुछ भी नहीं, ऐसे ही उनको मारा। और मिस्र के जो लोग थे वो इनसे इतने डर गए कि फिरौन को जाकर बोला, फिरौन हम लोग ख़त्म हो चुके, इनको जाने दो, इनको जाने दो। तो यहाँ तक परमेश्वर ने काम किया। आखिर में मिस्र देश में बसने वाले जितने भी परिवार थे उन सभी परिवारों में जो पहलौठा पैदा हुआ था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और आखिर में फिर उन्होंने बोला आप लोग यहाँ से निकलो, आप लोग यहाँ से जाओ। अभी देखो परमेश्वर का काम, समझ लो कि अमेरिका को ख़त्म करना हो हम कैसे ख़त्म कर सकते, कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। उसके सामने लड़ाई कर करता कोई कर ही नहीं सकता, महासत्ता है, ऐसा ही देश मिस्र। लेकिन परमेश्वर ने देखो ना कोई गोली चलाई, ना कोई मशीन, ना कोई तलवार, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने चमत्कार से इन लोगों को इतना परेशान कर दिया कि इन लोगों को, इज़राइल लोगों को जाने देना पड़ा कि आप लोग यहाँ से निकलो। ये है हमारे परमेश्वर। और मिस्र देश से जब इज़राइल निकले और उनको भी जाना था विश्राम के देश में या वचन के देश में, और ध्यान से समझना ये जो सफ़र है वही सफ़र आज हमारा है। फिरौन या मिस्र देश वो समझो शैतान की गुलामी है। आज कोई भी पैदा होता है तो शैतान की गुलामी में ही पैदा होता है। कोई बच्चा आज पवित्र आत्मा से भरकर नहीं पैदा होता, चाहे विश्वासी के घर में चाहे अविश्वासी के घर में। देखना 6-8 महीने का बच्चा होगा उसके अंदर भी ईर्ष्या होती है, उसकी माँ की गोदी में अगर किसी और का बच्चा हो तो रोने लग जाता है और इशारा करता है इसको हटाओ मुझे बिठाओ। तो उसके अंदर ईर्ष्या कहाँ से आएगी, ये शैतान का काम छोटे बच्चे के अंदर कहाँ से आया। तो इसका मतलब ये है कि आज कोई भी पैदा होता है तो वो फिरौन या शैतान की गुलामी के अंदर ही पैदा होता है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर मूसा को भेजते, मतलब अपने दास को भेजते, हमें सुसमाचार मिलता है और हम लोग उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते, परमेश्वर को जीवन समर्पित करते और परमेश्वर हमें शैतान से आज़ाद करते। उसके बाद हमारे एक सफ़र शुरू होते और वो सफ़र कौन सी होती है, स्वर्ग की ओर जाने की, विश्राम के देश में जाने की, वचन के देश में जाने की एक सफ़र शुरू होती। और ये जो हमारी सफ़र है ध्यान से समझना तो आज आपको पता चल जाए कि हम आज कहाँ पर है। शैतान से तो आज़ाद हो गए, परमेश्वर को तो जीवन समर्पित कर दिया, हम मसीह में तो आ गए, हम संगति में जाने लग गए, ये हमारी आज़ादी है, ये हम आज़ाद हो गए शैतान से। लेकिन अब आज़ाद होकर हमारा एक सफ़र शुरू हुई और वो सफ़र है
उस विश्राम के देश में जाने की, वचन के देश में जाने की, या तो स्वर्ग में जाने की सफ़र है। अभी ये जो हमारी सफ़र है, उस सफ़र में ऐसा नहीं कि शैतान से हम आज़ाद हो गए तो शैतान अभी हमसे दूर रहता है, वो तो फिर आता है हमारे पास। गुलाम नहीं बना सकता हमको, अभी फिर से हमको बंधन में नहीं ले जा सकता, उसकी ताकत नहीं है अगर हम मसीह में बने रहे तो। लेकिन आता ज़रूर है। जैसे ये लोग मिस्र देश से आज़ाद हुए, ये लोग गए समुंदर के पास, और समुंदर के आगे रास्ता ही नहीं है, तो सारी इसराइल प्रजा वहाँ पर रुक गई। जब सारी इसराइल प्रजा वहाँ पर रुक गई और सभी लोग आनंद कर रहे थे, सभी लोग हालेलुया कर रहे थे, इतने में किसी ने देखा ये दूर से ये मिट्टी क्यों उड़ रही है। और सभी लोगों ने देखा, अरे इतनी सारी मिट्टी उड़ रही, कुछ तो है। और देखा तो मिट्टी में से पूरी फिरौन की सेना आ रही है, और फिरौन आ रहा है। फिरौन को पता चला ये लोग समुंदर के पास है, चलो वापस इनको गुलाम बनाओ। तो शैतान छोड़ता नहीं है हमको, शैतान वापस हमको उसके पास ले जाने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए एक बार फिर भागता है हमारे पीछे। अभी सभी लोग डर गए कि अभी अभी तो आज़ाद हुए और फिर से आ गया शैतान, फिर से फिरौन आ गया, क्या करेंगे हम लोग। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर होते, और परमेश्वर क्या करते, परमेश्वर चमत्कार करते, परमेश्वर अपने दास का इस्तेमाल करते, और परमेश्वर ने समुद्र में से रास्ता निकाल दिया, समुद्र के दो हिस्से कर दे, और सारे इसराइल प्रजा उस पार चली गई। तो ये है हमारे परमेश्वर का काम। उस पार चले गए तो पानी नहीं मिला, पानी मिला तो जहरीला मिला, ये लोग फिर चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे तो परमेश्वर ने फिर मूसा का इस्तेमाल किया, इनको पानी दिलाया, पानी पिया, उसके बाद भूख लगी, खाना नहीं था, तो परमेश्वर ने फिर मूसा का इस्तेमाल किया, और मूसा के जरिए परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, और ये सभी लोग मन्ना से अपना पेट भरने लग गए। ये समझ लो कि फिरौन से या शैतान से आज़ाद होने के बाद हमारे जो सफ़र है ना, उसमें सारा काम होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, हमारी जॉब सही से नहीं चलती, हमारी कमाई सही से नहीं चलती, हमको ऐसा लगता है हमारा गुजारा कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता निकाल देते, हम प्रार्थना करते, परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते, और हमें आशीष मिल जाती है, और परमेश्वर कोई ना कोई जुगाड़ हमारे लिए वो कर ही लेते, हमें आज़ाद हमें करवाते। कोई भी समस्या आए उस विश्राम के देश में जाने के लिए, हम परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर अपने दास को भेजकर या डायरेक्ट किसी भी तरह से हमारे जीवन में वो काम करते। उन्होंने पानी दिया, उन्होंने इसराइल लोगों को खाना भी दिया। उसके बाद जब वो लोग आगे बढ़े, मूसा की आयु पूरी हो गई, मूसा ख़त्म हो गए, और मूसा जब ख़त्म हो गए उसके बाद इसराइल की सारी जो बागडोर थी वो यहोशू के हाथ में आई, और यहोशू उनको लेकर जाने लगे उस विश्राम के देश में, उस वचन के देश में, उस स्वर्ग की ओर वो आगे बढ़ने लगे। और सबसे पहली यहोशू के वक्त में जो मुश्किल आई वो थी यरदन नदी। और यरदन नदी उस वक्त बरसात का मौसम था, बरसात काफ़ी गिर चुकी थी, इस कारण यरदन नदी जो है वो दोनों किनारे के ऊपर से बह रही थी। यरदन नदी ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन उसका बहाव बहुत तेज़ होता है, इसलिए उसको क्रॉस करना वो मुश्किल है। अभी दो चार लोगों को करना हो या 12-15 लोगों को करना, 20-25-100 लोगों को भी करना है तो आसान है कि दो दो मिलकर, चार चार मिलकर किसी तरह से क्रॉस कर लो। लेकिन यहाँ तो 35 से 40 लाख लोग, अभी यरदन नदी क्रॉस करो तो कितना वक्त लग जाएगा, इतना वक्त तो है नहीं। तो ये लोग वहीं पर रुक गए, वहीं पर रुक गए। फिर परमेश्वर ने यहोशू को बोला, यहोशू क्या हुआ? यहोशू बोलते, परमेश्वर देखो इसके उस पार ही जाना है हमको, वचन के देश में ही जाना है, स्वर्ग में ही पहुँचना है, बस सफ़र हमारे ख़त्म होने को है। लेकिन ये देखो यरदन नदी बीच में आ गई। परमेश्वर बोलते, कोई बात नहीं, जो याजक लोग हैं उनको बोलो वाचा का संदूक उठाए, तुम्हारे आगे चले, और जैसे वो यरदन के पानी के अंदर अपना पैर रखेंगे उसका जो पानी इधर बहता है वो बहकर चला जाएगा, और ऊपर से जो पानी बहकर आता है वो पानी का ढेर लग जाएगा। अभी देखो पानी का कभी ढेर नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैं पानी का ढेर कर दूंगा, और वैसा ही हुआ, एक और पानी का ढेर लग गया और इधर का पानी बह निकला, नदी सूख गई और सारे इसराइल उस पार चले गए। उस पार जाने के बाद अभी भी जो स्वर्ग या वचन का देश वो अभी भी नहीं मिला है। अभी एक मुश्किल और आ गई, और वो थी यरीहो की दीवार, यरीहो शहर जो था उसकी शहरपनाह, और उस ज़माने में इतनी बड़ी थी कि उसको गिराना नामुमकिन था,
उसको गिराना, अंदर जाना, उन लोगों से लड़ाई करना और फिर विश्राम का देश, वचन का देश प्राप्त करना, इनके लिए असंभव सी बात थी, मुश्किल बात थी, कर नहीं सकते थे। और फिर यहोशू वहीं पर रुक गए, फिर परमेश्वर वहाँ पर आए, फिर परमेश्वर बोला यहोशू क्या बात है, बोले यह परमेश्वर ये दीवार कैसे गिराए, ये शहरपनाह कैसे गिराए, हम लोग लड़ाई कैसे करेंगे। परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, हर रोज़ एक चक्कर लगाओ और सातवें दिन सात बार चक्कर लगाओ, दीवार अपने आप गिर जाएगी और मैंने इन लोगों को तुम्हारे हवाले कर दिया है और आप वचन का देश जो है उसको पालो। और फिर ऐसा ही यहोशू ने किया, हर रोज़ एक चक्कर, सातवें दिन सात चक्कर, और यरीहो की जो शहरपनाह थी वो गिर गई और ये लोग विश्राम के देश में चले गए। अभी देखो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई, मिस्र से निकलना और विश्राम के देश में, वचन के देश में पहुंच जाना, मतलब कि शैतान से आज़ाद होना और स्वर्ग में पहुंच जाना। आज़ाद हो गए, अब एक सफ़र शुरू हुई, ये सफ़र इतनी आसान नहीं है, देखने जाओ तो बहुत आसान है लेकिन शैतान पीछा ही नहीं छोड़ता, वो तो बार बार आता रहता है, कभी यरदन के स्वरूप में आ जाता है, कभी यरीहो की शहर पना बनकर आ जाता है, कभी समुंदर बनकर आ जाता है, कभी भूख प्यास बढ़ा कर आ जाता है, कभी बीमारियां लेकर आ जाता है, किसी न किसी तरह से ये शैतान हमारे पीछे पड़ा ही रहता है। लेकिन देखो ये लोग सारी बातों को क्रॉस करके उस देश में तो पहुंच गए, आखिर में परमेश्वर ने इनको पहुंचा ही दिया, करना क्या था, बस परमेश्वर ने बोला था मूसा को मैं हूँ, बोलना इज़राइल लोगों को मैं हूँ ने भेजा है, मतलब मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अगर इन दोनों के बीच में मैं हूँ के बीच में अगर हमें कोई शब्द लगाना है तो कोई एक शब्द मत लगाओ, और एक शब्द लगाओ तो ऐसा शब्द लगाओ जिसके बाद और कोई शब्द की ज़रूरत ना पड़े, और वो शब्द है सर्वशक्तिमान। मैं सर्वशक्तिमान, मैं सब कुछ कर सकने वाला, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, सर्व मतलब सब कुछ, शक्तिमान मतलब सब कुछ करने के लिए जो शक्ति सामर्थ्य रखता है ऐसा परमेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं जो मैं ना कर सकूं। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर से पूछे परमेश्वर आप कौन सी बात नहीं कर सकते, तो ये हमारा सवाल कैसा है, गलत सवाल है। हम परमेश्वर को पूछ ही नहीं सकते कि परमेश्वर आप कौन सी बात नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकते। अगर हम 10 मंजिला इमारत बनाए तो पहले हम नींव डालेंगे, लेकिन अगर परमेश्वर को बनाने तो परमेश्वर ऐसा भी कर सकते पहले 10वीं मंजिल बनाए हवा में, फिर 9वीं मंजिल बनाए, आखिर में नींव डालें, ऐसा परमेश्वर कर सकते और कोई ना कर सके। लेकिन अगर हम परमेश्वर को पूछे परमेश्वर आप ऐसा कर सकते, परमेश्वर मैं कर सकता हूँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकते। जो ट्रेन होती है वो पटरी पर चलती है और पटरी से अगर उतर जाए तो फिर हादसा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर को बोलो तो परमेश्वर रोड पर भी चला सकते, क्यों, वो सर्वशक्तिमान, उन्होंने बोला मैं हूँ। तो ध्यान से समझना, हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी बीमारी आए, कैसी भी परिस्थिति आए, तो एक ही बात याद रखना, हमारे परमेश्वर का नाम क्या है, हमारे परमेश्वर का नाम मैं हूँ, और मैं हूँ के बीच में क्या हम लगाएंगे, सर्वशक्तिमान, वो क्या नहीं कर सकते, हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते। और बहुत बड़ा काम था इज़राइल लोगों के लिए कि 400 साल से जो गुलाम थे, जो पैदाइशी गुलाम थे महासत्ता के, वहाँ से आज़ाद होना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था, लेकिन परमेश्वर ने तो कर दिखाया। किसको बोला तू तलवार उठा के, क्या आज कोई इज़राइल ऐसा बोल सकते कि हमने मिस्र को मार कर हम वहाँ से निकले, कोई लड़ाई नहीं लड़ी किसी ने, किसने काम किया, परमेश्वर ने काम किया। जब जब दाऊद राजा लड़ाई के लिए जाते थे तो पहले परमेश्वर से पूछते थे परमेश्वर मैं जाऊँ, बोले हाँ जा, आप विजय दिलाओगे, हाँ दिलाऊँगा, और परमेश्वर उनकी लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रजा का नाम क्या रखा, इज़राइल, और इज़राइल का मतलब क्या होता है, जिसके लिए परमेश्वर युद्ध करते हैं। और गलाती 3:29 में ऐसा लिखा है कि जितने मसीह के हैं वो अब्राहम की अंश है, और अब्राहम की अंश मतलब हम भी कैसे हुए, इज़राइली। अगर हम प्रभु यीशु को मानते हैं, अगर हम प्रभु यीशु की सुनते हैं, अगर हम प्रभु यीशु के हैं,
तो हम अब्राहम की अंश मतलब हम इसराइल के, और अगर हम इसराइली तो हमारे लिए युद्ध कौन लड़ेगा? हमारे परमेश्वर। और हमारे लिए अगर परमेश्वर युद्ध लड़े तो जीत किसकी होगी? हमारी होगी। अगर हम बीमार हैं तो हमारे लिए उस बीमारी से कौन लड़ेंगे? परमेश्वर। हम लड़ेंगे तो हार सकते, हम लड़ेंगे तो मर सकते, लेकिन परमेश्वर लड़ेंगे तो चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कभी भी डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? क्योंकि हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिनका नाम है मैं हूँ। और मैं हूँ मतलब वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते, कोई भी काम कर सकते। इसलिए कभी भी कोई भी समस्या आए तो कभी भी मत डरो, इतना बोलो कि मैं उस परमेश्वर को मानता हूँ जिनका नाम है मैं हूँ। और इसलिए परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसमें हमेशा बने रहो, वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे और हम हमेशा विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे।